YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और शिमला में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया, लेकिन इस मैराथन की सबसे खास बात यह रही कि 85 साल के बुजुर्ग पूर्व डीजीपी ने इसमें हिस्सा लिया। 85 साल के पूर्व डीजीपी रतिराम वर्मा को दौड़ते हुए देखकर हर कोई हैरान था। उनका हौसला देखकर दूसरों को भी दौड़ने की प्रेरणा मिल रही थी। शिमला के रिज मैदान में आयोजित हाफ मैराथन में 3 पूर्व डीजीपी ने 3 किलोमीटर रेस में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व डीजीपी ने कहा कि हमारा हिमाचल नशा मुक्त होना चाहिए। इस दौर से मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूं। इस मैराथन को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अभय ने रेस को हरी झंडी देकर रवाना किया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैराथन का आयोजन किया गया, किस प्रकार से यह मैराथन का कार्यक्रम रहा? देखिए शिमला दुनिया भर के सैलानियों का आकर्षण का केंद्र है, तो उस लिहाज इस मैराथन का जो महत्व है, जो वैल्यू है, बढ़ जाती है। हालांकि एक संदेश देने के लिए एक प्रयास किया गया था, पुलिस का ये प्रयास है। हर साल का एक शेड्यूल शिमला पुलिस ने बनाया, तो हर साल युवाओं को शहर के बाकी लोग हैं, इवन आपने देखा होगा 84 साल के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने भी दौड़ में भाग लिया। वो डीजीपी रिटायर हिमाचल प्रदेश पुलिस, एक संदेश देने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को, नई पीढ़ी को, आम जनता को नशे से कैसे दूर रखा जाए, तो ये प्रयास किया गया। और शिमला सुबह सुबह सुहाना मौसम था और बहुत सारे लोग, अलग अलग सेक्शन के लोग थे, उन्होंने इस दौड़ में, इस मैराथन में भाग लिया और एक संदेश देने की कोशिश की कि स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन आगे भविष्य अच्छा रहेगा। तो आगाज लंबे समय से किया गया, लेकिन जैसे जैसे लोग इसमें बढ़ते जा रहे हैं, एक संदेश डाउन द लाइन देने की कोशिश की जा रही है और बड़ी संख्या में इसमें युवा, बच्चे और वृद्ध लोग, जो वरिष्ठ नागरिक थे, उन्होंने भी इस दौड़ में भाग लिया। मैं बता रहा था जैसे कि 83 साल के जो रतिराम वर्मा है, हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी रिटायर हुए, उन्होंने इस दौड़ में बहुत हिम्मत और जोश के साथ भाग लिया और अपने संदेश में यही कहा कि इस उम्र में दौड़ने का मतलब सिर्फ यही था कि खुद को तरोताजा फिट रखना तो था ही, साथ में एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए और कैसे जो नशे की जो प्रवृत्ति है उसको कैसे खत्म किया जाए। जी उमेश शर्मा, कितनी संख्या में इस दौड़ के साथ लोग जुड़े? देखिए संख्या हजारों में थी, काफी लोग थे, रिज और माल रोड के जो जो रास्ते हैं वो बिल्कुल लोगों से भरे हुए थे और शहर की जो सड़कें हैं उस पर ये मैराथन आयोजित की थी। लगभग हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए और लोगों ने बहुत अच्छा इसका संदेश माना और अच्छा संदेश उसको बताया और जो युवा पीढ़ी है उसको नशे से दूर रखने के लिए और फिट रखने के लिए युवाओं को और आम जनता को ये संदेश दिया। लोग इस मैराथन से, इस आयोजन से काफी खुश भी दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में शिमला के निवासी जुड़े, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि पूर्व डीजीपी भी, जो 85 साल जिनकी उम्र हो गई थी, वो भी इस दौड़ में जुड़े और उन्होंने लोगों के सामने एक प्रेरणा के रूप में अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने उभारा।